मुंगेर में मुफसिल थाना अंतर्गत शंकरपुर में 28 वर्षीय अमन कुमार पिता भूषण यादव को पड़ोस के ही छोटू उर्फ छोटन ने गोली मारकर घायल कर दिया। पीठ में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवक को परिजन सदर अस्पताल लाए, जहां घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी सदर अस्पताल पहुंचकर घायल के परिजनों से पूछताछ करने में लगी है। जानकारी के अनुसार घायल युवक मजदूरी का काम करता था। 1 जनवरी को छोटन उर्फ छोटू ने शराब के नशे में अमन के घर पर समीप फायरिंग की थी। इसके बाद से अमन तथा छोटू के बीच लगातार झगड़ा और मारपीट हो रहा था। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं कोतवाली थाना के अध्यक्ष धीरेंद्र पांडे, उनकी बातों को सुनिए और जो भी वहां के परिजन हैं उनकी भी बातों को सुनिए। आज मेरे चचेरे भाई को गोली मार दिया गया। किस लोगों? लगातार विवाद चल रहा था 1 जनवरी से, लगातार गोलीबारी अमन कुमार मेरे चचेरे भाई के घर पर गोलीबारी हो रहा था। उसके बाद कई बार थाना भी गया, कंप्लेन भी किया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद आज घटना ही घट गया। गोली किस बात को विवाद था? दारू पी के 1 जनवरी को वो गोली चलाया था। उस दिन का विवाद से चल रहा था लगातार। बीच में थाना उना भी गए थे? हाँ, थाना भी गए थे और थाना प्रभारी जी बुलाए थे, दोनों को बॉन्ड भी भरवा दिए कि आज तरह का इस तरह का घटना नहीं होगा। उसके बाद भी आज 2 दिन के बाद घटना घट गया। कहाँ पे भाई को गोली लगी है? घर के पास घुरा तप रहा था, वहीं पे गोली मार के भाग गया। ठीक, क्या नाम हुआ तुम्हारा? सूरज कुमार। बस आया हुआ के मार दिया इसको। कौन मारा गोली? छोटा। क्या हुआ, क्या था? झगड़ा हुआ था दोनों में, मतलब हुजत खुजत। हाँ। किसके किसके बीच हुआ था? अमन और छोटन, ये दोनों एक ही गांव का रहने वाले। उसका बाप चाचा सब मिल के आया इसको छोड़ा के लेके, कहा जाके मार दो गोली, उसको मार दिया गोली। जिसको गोली लगा उसका क्या नाम है? अमन नाम है उसका। मारा है छोटन? छोटन। छोटन भी उसी गाँव का रहने वाला है? हाँ, उसी गाँव का है, थोड़े बगले का है। अमन क्या करता है? अमन करता है अपना मजदूरी करता है सर। एगो भाई इसका भी गायब कर दिया है आज से 1 साल पहले। कौन गायब कर दिया था? यही लोग क्या होगा, और दूसरा कौन करेगा गायब? अच्छा, छोटन। अच्छा, आज छोटन ने सब गायब किया है उसको। आज तक पता नहीं चला, प्रशासन को गुहार लगाते लगाते थक गए, आज तक नहीं पता चला कहाँ गया नहीं गया। उसके बाद होकर भाइयों को मार दिया। बताइए कितना बड़ा जुल्म। ये अमन का घर में था या कहाँ पे था जिसको इस तरह किया है? बुरा ताप रहा था बगले में, घर के समीप ही। हाँ। अच्छा, उसके बाद वो आया मार के भाग गया। कितने अकेले वो आया था? और नहीं, सब बापू था वो तो। अच्छा, आप उनके कौन हैं? हम अमन। अच्छा, विवाद किस कारण हो रहा है? जो शुरू से पुराना विवाद चला, कोई ना कोई कारण तो होगा ना? कारण जो हो वो दोनों में उतना तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन परसों दोनों में झंझट हुआ। किस बात को लेके? कोई बात लेके हुआ होगा। उसके बाद जो है वो पकड़ लिया के दोनों को, इसको भी खोज रहा था, उसको वो पकड़ा गया, उसको ले गया मुफसिल। और उसके बाद वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ उसको छोड़ दिया, आया घर, उसके बाद सोम में इसको मर दिया। कब कब लेके गया था? परसों लेके गया था। छूटा कब? वो छोड़ दिया भोर में कल। अच्छा, गोली कहाँ पे लगाया है अमन को? गोली तो हम नहीं देख सके सर, लेट में आए, सुनते हैं कि इधर पीठ से पर से मारा है, इधर पेट अतड़ी निकल गया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शिव शंकर यादव। कौन है आप अमन के? बड़ा पापा है। क्या घटना हुई? उसमें वरीय प्राधिकारी के निर्देशानुसार हम लोग आए थे, हम और पूरा प्रायोग जी प्रभारी अमन कुमार जी हैं, ग्राम शंकरपुर थाना मुफस्सिल के। उनको उनके पड़ोसी छोटू कुमार द्वारा गोली मार दी गई है। पता चला कि दोनों में आपसी कोई पुराना विवाद नहीं था, आपसी तोतू में हम बड़ा तो हम बड़ा यहीं का विवाद था। ये कुछ पता चल पाया सर कितनी गोली लगी है? तो वो वुड ऑफ एंट्री भी है और वुड ऑफ एग्जिट भी है, मतलब ये गोली लग रहा है पेट में गोली। क्या माने ऐसा? वर्चस्व की लड़ाई नहीं, आपसी हम बड़ा तो हम बड़ा। अच्छा, स्थिति कोई जमीनी विवाद वगैरह नहीं, बात सामने नहीं आई है। अच्छा, कोई गिरफ्तारी हुई सर इसमें? अभी तो नहीं बता सकते, हम लोग तो यहाँ पर है। स्थिति सर सामान्य है? सामान्य है बिल्कुल, कोई चिंता की बात नहीं। थैंक यू।